श्री गौतम अधिकारी का ये निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति तो है ही, लेकिन टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। गौतम अधिकारी, मैं तो उनके परिवार का एक सदस्य ही हूँ। मेरा पहला टेलीविज़न शो अधिकारी ब्रदर्स में बहावा आज से 17-18 साल पहले मैंने किया था। तब से मैं इस काम को कर रहा हूँ और मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा। जिस अंदाज से वो काम करते थे, जिस अंदाज के वो डायरेक्टर थे, वो एक स्कूल थे। उनसे सीखना बहुत बहुत कुछ सीखा जा सकता था। किस तरह से डायरेक्शन किया जाता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, सीन किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न केवल मेरी व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि बहुत बड़ी क्षति है टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्होंने बहुत सारे नए लोगों को इस इंडस्ट्री में चांस दिया टेलीविज़न के थ्रू, और बहुत सारी नई प्रतिभाओं को मौका दिया। इसलिए हम सब के लिए बेहद दुख का क्षण है, विषय है। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे इस आघात को सहन करने की। इंडस्ट्री का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है पर्सनल। गौतम अधिकारी तो मेरा बहुत करीबी था दोस्त भी और अच्छा डायरेक्टर। आज जो कुछ भी मैं हूँ इंडस्ट्री में, मतलब हिंदी में या मराठी में, तो वो गौतम की वजह से, क्योंकि उसने मुझे 3 बार सोलो हीरो बनाया था। पहली बार उन लोगों ने जब अधिकारी ब्रदर्स का जो प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, वो तो मराठी में किया था। उसमें मैंने हेलो इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। हेलो इंस्पेक्टर सीरियल में इंस्पेक्टर था मैं, मेन लीड। उसके बाद फिर जब हिंदी में पहुँचे पहली बार, तो उन्होंने कमांडर सीरियल की थी, तो वो कमांडर भी मैं था। उसके बाद मैंने वक्त की रफ्तार में काम किया, फिर उसके साथ और एक सोलो किया मैंने, वो खोज कर्नल परमवीर से। बहुत काम किए उनके साथ मैंने मराठी में, तो काफ़ी काम किए। तो काम तो अलग था, लेकिन हमारी दोस्ती भी बहुत अलग थी। जैसे कि हम लोग एक फैमिली मेम्बर थे, गौतम, मार्कंड, मैं, और मेरी करियर की शुरुआत, और उसके भी मैं कहता हूँ कि शुरुआत वहीं से हो गई थी। और मैं आज देख रहा हूँ कि आज दोनों कहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये इतना जल्दी जाएगा ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि उसकी स्टाइल भी एक अलग थी। डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर ही वॉज वेरी डिफरेंट। जैसे मार्कंड अधिकारी प्रोडक्शन संभालते थे और गौतम डायरेक्शन, तो ये जो क्राइम स्टोरीज होती थी उसमें उसकी एक स्टाइल थी, मतलब मैं कहूँगा एक स्कूल था वो। तो आज बहुत लोग वो फॉलो करते हैं उसका स्कूल। गौतम अधिकारी का जो शॉट लगाना था वो एक अलग ढंग था। वो स्टाइल जब भी लोग बोलते, अरे ये गौतम अधिकारी स्टाइल है, ये गौतम अधिकारी स्टाइल है, तो उसने अपनी एक स्टाइल की थी। तो अभी तो क्या कहेंगे, बहुत जल्दी चला गया। मेमोरी बहुत है उसके साथ, अभी क्या बोलूँ मैं। कुछ ना, अभी तो कुछ 5 दिन पहले की बात है, उसने मुझे कमांडर का ये टाइटल भी भेजा था। मैंने मांगा था उसके साथ, फिर हम लोग बोले थे कि जाएंगे, तो उसको कभी कभी भी जब भी ऐसा लगता था कि बात करते थे, फिर फ़ोन मारता था। हम लोग कुछ लोग मिलते थे, मैं, सुरेश बेरी, अपने वो नवनी परिहार, अनिल कारिलकर, ये लोग सब साथ में मिलते थे। लेकिन खास तो ऐसे मतलब बहुत है, अभी इस वक्त तो कुछ बता नहीं सकता मैं बस। लेकिन गौतम बहुत यहाँ था, तो अभी क्या कहेंगे यार, ठीक है, अभी क्या होना था हो गया। मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा मेरा नुकसान है। मेरी इनकी एसोसिएशन तकरीबन 27 साल की है। पता नहीं, मैंने सैकड़ों एपिसोड किए इनके साथ। एक बहुत ही मशहूर शो आता था डीडी नेशनल पे, वक्त की रफ्तार को, 600 के करीब उसके मैंने एपिसोड्स किए, और उसके अलावा भी मुतवातिर उनके साथ अलग अलग शोज़ में काम करता रहा। उनका एक रिकॉर्ड है, उनका ये रिकॉर्ड है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें उनका नाम दर्ज है। उन्होंने 3000 से ज़्यादा एक अकेले इंसान ने एपिसोड डायरेक्ट किए हैं। और जहाँ तक उनकी डायरेक्शन का सवाल है, वो डायरेक्टर नहीं थे, वो जादूगर थे। वो अपने कैमरे से ऐसा मैजिक, ऐसा जादू क्रिएट करते थे कि कैमरा खुद एक कैरेक्टर लगता था। उनसे बड़ा क्राफ्ट्समैन कोई नहीं था। और मैं सिर्फ उनको जादूगर नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ उनको डायरेक्टर नहीं कहूँगा,
वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे जो टेक्निकली इतना ज़्यादा जानकार मैंने नहीं देखा, जो एक कैमरे से एक शिफ्ट में एक एपिसोड बनाते थे और क्वालिटी के साथ बनाते थे। वो गिफ्टेड थे, पर्सनल लाइफ में बहुत ही खामोश रहने वाले इंसान थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत लविंग थे जो लोग उनके करीब थे, और अक्सर खामोश रहते थे तो लोग समझते थे कि वो मगरूर हैं, वो घमंडी हैं, ऐसा नहीं था। वो शाई थे, उनकी तबीयत में शाइनेस थी जिसकी वजह से लोगों को शर्मीले थे स्वभाव के, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता था कि वो मिक्स नहीं होते या घमंडी हैं। बहुत अच्छा इंसान था, कमाल का डायरेक्टर था, बहुत अच्छा दोस्त था। और इत्तेफाक की बात मैं आपको ये बताऊं कि कल उनके साथ मैं 5 घंटे था, 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। इतनी लंबी मीटिंग मेरी उनकी कभी चली नहीं है, सेट पे तो होती थी काम की वजह से, लेकिन पर्सनल लाइफ में 5 घंटे कभी मैं उनके साथ नहीं बैठा। लेकिन क्या पता था कि 24 घंटे पहले जिस शख्स के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, थॉट्स एक्सचेंज कर रहा हूँ, अभी उनका अंतिम संस्कार देख रहा हूँ। तो यही ज़िंदगी है, बस यही कहेंगे कि बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये ज़िंदगी जो है बस ऊपर वाले की अमानत है, वही लेता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 67 ईयर्स की इनकी उम्र रही है, बहुत अचीव किया इन्होंने, बहुत अचीव किया, बहुत बनाया, 2 फिल्में भी बनाई, भूकंप, और एक फिल्म भूकंप थी और एक वजह थी, फिल्में भी बनाई, लेकिन सेहत उनकी काफ़ी दिनों से उनका साथ नहीं दे रही थी। तो बस यही कहूँगा कि बस ये जो नुकसान है ये तो हमारा कभी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, बस उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं ऊपर वाले से। और वो भले आज शारीरिक तौर पर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा जब तक हम हैं इस दुनिया में तब तक उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। अपने आप में तो ये शख्सियत बहुत बड़ी थी, तो बहुत बड़ा लॉस है, सबका लॉस है ये। बट इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल लॉस भी है, बिकॉज मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और उनकी याद हमेशा हम लोग के दिलों में रहेगी, बिकॉज बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही नेक इंसान, मतलब बहुत कम ऐसे इंसान अभी भगवान बनाता है। ही वॉज वन ऑफ देम, जो हर एक की हेल्प करते थे और कई वे में मेरे भी बहुत काम आए। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को धैर्य दे।